Guys, so welcome to my channel DIY with Pinks. How are you all? I hope you all are doing great. And COVID का time चल रहा है, बाहर नहीं जाना है, mask wear करना है, plus घर पे रहना है. और COVID के time पे positive नहीं होना है, always stay negative. So let's get start with the video. So guys, आज का video है एक review video जो कि है Mama Earth का overnight repair night cream. Overnight repair night cream. See, ये है उसकी बॉटल और इसमें क्या है विद कोलेजन सेफ्रन एंड डेजी फ्लावर फॉर ब्राइटनिंग एंड फर्मिंग. गाइज, ये जो डेजी फ्लावर है ना, इसका मेरे पास ना पहले वो था, क्या बोलते हैं इसको, मॉइस्चराइजर था, स्किन मॉइस्चराइजर था जो मैंने बायोटिक का लिया था एंड देट वॉज टू गुड. मेरी स्किन पे इतना सही जाता था ना वो, और ये सोच के मैंने ये मामा अर्थ का प्रोडक्ट भी लिया था, बट मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे पास मामा अर्थ के एक्चुअली बहुत रेंज है, कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी. इसकी नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, सी क्रीम है, इसकी बहुत सारी मेरे पास मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं. इसका मॉइस्चराइजर है, बॉडी लोशन है, बट गाइज मुझे मामा अर्थ थोड़ा सा हाई एंड तो है ही है, प्लस इसके जो कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो मुझे सीरियसली मुझे नहीं पसंद है. उनमें से एक है ये नाइट रिपेयर क्रीम, मामा अर्थ की नाइट रिपेयर क्रीम. इसके ना मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको लगाओ आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी. कईयों ने तो इसका, कई यूट्यूबर्स ने, मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखा था कि इसका उन्होंने एक वन बॉटल चैलेंज भी लिया था किसी ने, कि इसको मैं 15 डेज के लिए ट्राई करूँगी, देन आफ्टर उसके आपको बताऊँगी. और उन्होंने रिव्यू दिया कि वाओ, एंड एटलीस्ट मुझे लगता है कि उनकी स्किन पर ये सूट कर गया होगा, दैट्स वाई उन्होंने वो रिव्यू दिया. बट गाइज, फॉर मी नॉट वर्थ इट, ये मुझे नहीं अच्छा लगा. इवन मेरे को मामा अर्थ का एक और क्रीम है वो भी नहीं अच्छा लगा, उसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी. बट ये नाइट रिपेयर क्रीम, सॉरी, मुझे तो नहीं अच्छा लगा. हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन पर ये बहुत अच्छा काम करता हो, बट मेरी स्किन के लिए तो बिल्कुल काम नहीं करता. तो चलिए देखते हैं ये क्लेम क्या करते हैं, एक्चुअली ये बोलता क्या है अभी, इसमें क्या है ऐसा है जो इसको हमें यूज़ करना चाहिए. गाइज, अगर इसके ना इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बहुत कुछ है. इसमें ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, शिया बटर है, सोडियम पीसीए है, कोलेजन है, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, और इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, पोटेशियम है, इसमें सॉर्बेट है, इसमें सब कुछ है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं है. मेरे स्किन पर इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया है. ये कहते तो है कि ब्राइटनिंग एंड फर्मिंग के लिए है, बट आई एम सॉरी गाइज, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगा है. इसको लगाने के बाद मैंने इसको फॉर द टाइमिंग 15 डेज के लिए यूज़ किया, 15 टू 16 में भी 20 डेज ही हो गया आज इसको यूज़ करते हुए, बट कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ. मेरी स्किन एज इट इज़ वैसे की वैसी थी. हाँ, एक काम बहुत अच्छी है कि मेरे पिंपल्स ज़रूर बम्प्स आउट हो गए थे, जितने स्मॉल बम्पिंग बम्प्स से निकल गए मेरे पूरे चेहरे पे इसको यूज़ करने के बाद. सो शायद मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं तो यही कहूँगी कि शायद ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है. फर्स्ट ये बोलते हैं कि ये पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है. पैराबिन तो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, प्लस सिलिकॉन भी अच्छा नहीं होता. अगर ये फ्री है तो इसने मेरे पे काम क्यों नहीं करा, आई डोंट नो. सेकंड है इसमें विद बायो एक्टिव्स, ओके दैट्स गुड, प्रीटी गुड, सूट्स ऑल स्किन टाइप. जैसा कि मैंने आपको कहा था ये नाइट स्किन है, सॉरी ये नाइट क्रीम है, तो इसमें स्किन टाइप का कुछ ऐसा होता नहीं है. इसमें भी लिखा है कि ये सूट्स ऑल स्किन टाइप. तो गाइज, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी पैसा वसूल था. और इसका रेट बताऊँ आपको कितना है, आप सुनोगे तो इसका रेट बता देती हूँ आपको. इसका रेट है 600 रुपये, 600. वैसे इसमें है 599, यानी कि 1 रुपया कम है. तो बहुत हेड्स ऑफ टू द मामा अर्थ प्रोडक्ट्स के 600 नहीं होने दिया, 500 में 599 इन्होंने रखा, 1 रुपया कम करा है. लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा वोपिंग अमाउंट है इसके लिए, एक इतनी सी बोतल के लिए 600 हम पे कर रहे हैं. और कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हम पे सूट भी नहीं कर देता है. चलो बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, इसके टेक्स्चर के बारे में, इसके कलर के बारे में और इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने लिया इसका 2 ड्रॉप्स, 2 पम्प्स लिए मैंने इसके. पहले हम बात करते हैं इसके टेक्स्चर की. स्मूथ इन टेक्स्चर है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है. फ्रेग्रेंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है.
और प्लस इसकी मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी थी कि बहुत जल्दी ब्लेंड आउट हो जाता है और हमारी स्किन को अंदर तक अब्जॉर्ब भी है, बहुत जल्दी हो जाता है। पर पता नहीं क्यों इसने मेरे पे काम नहीं किया, मेरी स्किन नहीं इसने अच्छी करी। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि मैंने ये प्रोडक्ट जब मैंने ख़रीदा था मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ मैंने मामाअर्थ का नाइट क्रीम मंगाई है, तो देखते हैं कोई मिरेकली हो जाएगा, बट नो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में गाइज हमारी स्किन पे क्रीम लगाने के साथ साथ हमें खाना पीना बहुत ज़रूरी है, तो 8 ग्लास पानी पीना है और ढेर सारे फ्रूट्स भी इंक्लूड करने हैं अपनी स्किन के लिए। सो गाइज कैसा लगा मेरा ये रिव्यू आपको मामा अर्थ के इस नाइट क्रीम के बारे में? अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, कितनों के साथ हुआ होगा कि कोई प्रोडक्ट किसी पे सूट नहीं करता गाइज, इवन मेरे पे क्या है, ये प्रोडक्ट से बाहर कितनों पे सूट नहीं किया हो सकता, तो जिन पे सूट नहीं किया वो भी मुझे कमेंट करना, और क्यों नहीं सूट किया मुझे ये भी बताना, और जिन पे सूट किया है वो भी मुझे बताना कि उनके ऊपर ये क्यों सूट किया है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड और गाइज मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत ही जल्दी 1K तक पहुंचना है और आई नो दैट कि यू पीपल आर आउटसाइड वेरी ग्रेट, सो प्लीज़ हेल्प मी टू गेट 1K सब्सक्राइबर फास्ट एंड लाइक माई वीडियो एंड येस लव मी मोर एंड डे बाई डे लव मी मोर। सो थैंक यू सो मच।